हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हम फोटोशॉप में। और फोटोशॉप में मैं आज आपको बताने वाली हूँ बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो वीडियो को स्किप किए बिना आपको एंड तक ज़रूर देखना है, और मुझे नहीं लगता ये आपको किसी ने पहले बताया होगा, और आई थिंक आपको पता भी नहीं होगा इसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और स्किप ना करें वीडियो को। तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फोटोशॉप ओपन किया हुआ है, और फोटोशॉप में एक रजनीकांत जी की मैंने पिक ली हुई है, जो कि बहुत पुरानी पिक है, और इस पे ही मैं आज आपको काम करके बताने वाली हूँ। तो मैंने ये इमेज ली हुई है और मैं इसका कंट्रोल जे से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसको फिल्टर में जाकर इसको गॉसन ब्लर से ब्लर करती हूँ। ब्लर में जा करके आपको मिल जाएगा गॉसन ब्लर, तो मैंने इसको ब्लर कर दिया है। इसको कर देती हूँ मैं ओके। तो ये ब्लर हो चुका है। ब्लर होने के बाद अब क्या करती हूँ, मैं यू करके रेक्टेंगल ले लेती हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं क्या करती हूँ, उसका स्ट्रोक साइज मैं कर देती हूँ नन, और फिल में आप जो मर्जी चाहें आप अपना कलर ले सकते हैं। तो मैंने ये वाला कलर ले रखा है, थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा है, ठीक है। तो इसको लेने के बाद मैं क्या करती हूँ, या इस रेक्टेंगल पर रहते रहते ही मैं डबल क्लिक करती हूँ। डबल क्लिक करते ही मैं यहाँ पर जाती हूँ स्ट्रोक में। स्ट्रोक में मैं यहाँ पर जाती हूँ, और कलर यहाँ पर वाइट मेरा ऑलरेडी सेट है, और मैं इस रेक्टेंगल का साइज क्या रखना चाहती हूँ उसके बॉर्डर की, तो ऑलरेडी है यहाँ पर सेट कर रखी है मैंने 13। और मैं यहाँ से ले जाती हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में सबसे ऊपर। तो ये आपका जो नन हो रहा है इसको कर लिया आप डीप, ठीक है। डीप करने के बाद यहाँ से करते हैं ओके। सॉरी, यहाँ से फिल ओपेसिटी डन करनी है, ठीक है। ऐसे करने के बाद ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे वाला जो पार्ट है वो ब्लर हो चुका है, और जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है सिर्फ उसमें से दिखाई दे रहा है। तो क्या करती हूँ, मैं कंट्रोल जे से एक और इसका डुप्लीकेट कर लेती हूँ। ये मैंने इसका कंट्रोल जे से डुप्लीकेट किया है, और इसको मैं यहाँ से यहाँ उठा कर ले आती हूँ। आपको जितने ये चाहिए आप उतने ले सकते हो, ठीक है। मैं कंट्रोल जे से एक और ले लेती हूँ। एक और कर लिया है मैंने इसका, और यहाँ इसको रख देती हूँ। यहाँ पे इसका एक और कर लेती हूँ मैं कंट्रोल जे से, यहाँ पर रख देती हूँ इसको ऐसे। और चाहो तो आप इसकी डायरेक्शन में इसको मूव भी कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाती हूँ ऐसे, ठीक है। मैं इसका कंट्रोल जे से एक और डुप्लीकेट कर लेती हूँ। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, ऐसे ही आप काफी चीजें बना सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल से ट्रिक आपको बताई है, आप काफी चीजें इससे इंटरेस्टिंग चीजें बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसका एक और डुप्लीकेट कर लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही आप काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। और मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई है, बताई है उसमें भी। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर ले। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।